के लॉ पढ़ लिए थे हमने, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। आज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। स्कूल में हमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, तो वो अभी हम लोग करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग दे दो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इस लॉ को पढ़िए, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है या कभी अट्रैक्टिव कभी रिपल्सिव? It is always attractive because it is a gravitational force, so gravitational force is always attractive. Her case mein attractive hoga. So it is always attractive kind of force. So let us draw, kyunki hume vector form mein likhna hai, to let us write mass m1, let us write here mass m2. Inke position vectors banane ke liye what we have to choose? We have to choose a coordinate system. X, Y, Z. This is your coordinate system. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या है बच्चों? इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये बनाया हमने क्या? पोजीशन वेक्टर r1। ये बनाया हमने पोजीशन वेक्टर r2। r1 वेक्टर और r2 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्या बताते हैं पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताते हैं? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे, लेट अस कॉल दिस एज R12 वेक्टर। 1 से 2 के बीच में जो वेक्टर बना मैंने, इसको क्या बोला? लेट अस कॉल दिस वेक्टर इज R12 वेक्टर। सो कैन वी राइट फ्रॉम ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ सभी को आता है। कैन वी राइट R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर? लिख सकते हैं क्या? यस और नो? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से। So can I write R12 vector is equal to R2 vector minus R1 vector? Yes. Okay. Now tell me the direction of R12 cap. R12 cap. What is meaning of this? Cap अगर लगा दिया vector के ऊपर, क्या मतलब होता है? Cap लगाने का मतलब क्या होता है? हाँ? Unit vector. So vector divide by its magnitude. इस मैग्नीट्यूड को आर लिख सकते हैं, दो मासेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर लिखते हैं, हाँ या नहीं? तो मैं इसको आर लिख देता हूँ, आर वन टू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आर लिख देते हैं। सो आर वन टू क्या है? ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक, वन से टू की तरफ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स यू डायरेक्शन, ये पता है सभी को। यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है, ठीक है। सो दिस इज योर डायरेक्शन। इफ आई आस्क यू व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ R21 कैप, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ R21 कैप? इधर से इधर, ऐसा। R12 कैप किधर? यहां से यहां। R21 कैप किधर? इधर से इधर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है? अगर एक वेक्टर ऐसा है उसी की अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं वेक्टर्स में। तो ये पॉइंट क्लियर है? ये बेसिक वेक्टर्स मैंने यहां वर्कआउट किया, अभी तक ग्रेविटेशन लॉ पे आए नहीं है। वेक्टर समझ में आ रहा है यहां तक का? ओके। तो अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि फोर्स ऑफ फर्स्ट मास ऑन सेकेंड मास, फोर्स ऑन वन, अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन एम वन ड्यू टू एम टू, M1 मास पर M2 की वजह से लगने वाला फोर्स। पहले ये बताओ कि वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? M1 मास पर M2 की वजह से लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस मास पर लगने वाला फोर्स किस तरह होगा? इधर या उधर? लेफ्ट या राइट? क्यों राइट? एट्रैक्टिव फोर्स है, एट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये हो गया मेरा कौन सा फोर्स? This is my F12 vector. समझ में आ रहा है? This is my F12 vector.
वन वेक्टर, ठीक है। एफ टू वन वेक्टर को लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इज मैग्नीट्यूड विच इज जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ही है। और डायरेक्शन कौन सा, टू से वन मतलब कौन सा, ये या ये, वन टू या टू वन, टू वन, टू से वन की तरफ है, सो दिस इज आर टू वन, क्या ये समझ में आया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने, बस इस चीज को मैंने वेक्टर्स में लिखा है ना। अब इसमें देखो और थोड़ा सा वर्कआउट करता है, जी एम वन एम टू ये तो बस सारे स्केलर है, आर जो है ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, तो आई कैन राइट दिस एज आर वन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको मैंने लिखा आर वन टू कैप, आर वन टू कैप को भी हम लोग लिख सकते हैं आर वन टू वेक्टर अपॉन आर वन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या। तो आई कैन राइट दिस वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर एज आर वन टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन टू वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब और आर वन टू वेक्टर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जी एम वन एम टू अपॉन आर, ये क्योंकि आर है ना, आर क्यूब और ये आर वन टू वेक्टर, ये सारे अलग अलग फॉर्म में एक ही चीज को लिख सकते हो। इतना लिखने की जरूरत है क्या, तो प्रैक्टिकल जरूरत नहीं है। इतना मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बुक्स में लिखा है, ठीक है। अपने को क्या पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है, जरा देखो ध्यान से, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन के बारे में क्या बोल सकते हो, अपोजिट है। अगर मैं इसकी जगह ये डाल दू माइनस तो चलेगा क्या, कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके जगह माइनस डाल दू तो क्या आ रहा है, यहाँ करना साइड में, यहाँ करना साइड में, देखो क्या आ रहा है। इफ आई पुट आर, इफ आई पुट, क्या पुट कर रहा हूँ, आर टू वन की जगह, आर टू वन की जगह माइनस आर वन टू डाल दू अगर इसमें, तो क्या मेरा इक्वेशन आ रहा है, F21 vector will be G M1 M2 upon R square, तो as it is R21 की जगह क्या आ रहा है, R12 के साथ माइनस साइन आ रहा है। अब इसको देखो और इसको देखो, क्या सेम है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस F12 लिख सकता हूँ, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टू मासेस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब मैंने इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया वो भी मुझ पे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा विथ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैंने इसको दो फटके दिए, ये मेरे को दो फटके देगा, सो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो वही तो हमने फोर्स के टर्म्स में लिखा, चलो देखो एक्शन रिएक्शन आर इक्वल है ना, को देख, तो देखा जाए तो न्यूटन के ये लॉ के अंदर भी थर्ड लॉ छुपा हुआ है। एग्जांपल 5.1, यस रीड करो, व्हाट विल बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स रुक जा, क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स ट्वाइस द प्रेजेंट डिस्टेंस। प्रेजेंट डिस्टेंस को आर वन लिख लेते हैं, दिस इज योर प्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ओके। एंड व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ईयर, मतलब हमें टी टू पूछा है, हमें टी वन पता है वन ईयर होता है। अभी अपने को अर्थ के अराउंड राउंड लगाने में, सन के अराउंड राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, एक साल लगता है ना, 365 days, तो ये मैंने लिख दिया। आगे पढ़ो, अच्छा दो केसेस है, तो मैं एक करा दो तो दूसरी केस कर लोगे, सेम ही तो है, सिर्फ नंबर चेंज होगा, एक करा दो दूसरा वाला होमवर्क में करना। अब कैसे करेंगे, देखो
ये हो गया आपका गिवन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये फॉर्मूला पता है? यस सर, एक्चुअली ए क्यूब है, बट एनीवेज हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट लेके कैलकुलेशन करने वाले हैं। इलिप्स इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसका मैथमेटिक्स बहुत भयंकर है तुम्हारे लेवल के लिए, ठीक है? तो आप लोगों को पहले इलिप्स पढ़ाया जाएगा ट्वेल्थ में, और अगर गलती से ग्रेजुएशन में फिजिक्स ले लो तो आएगा फिर इलिप्स वाले कैलकुलेशन भी आएंगे, है ना? अगर नहीं लेते तो फिर तुम लोग बच गए, कैलकुलेशन कर सकते तुम। कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो टी टू स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर इक्वल टू आर टू क्यूब होना चाहिए तो अपॉन आर वन क्यूब, ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो रेशियोस बराबर होंगे, स्क्वायर और क्यूब यहाँ पर होना चाहिए। लेट अस पुट द वैल्यूज, टी टू फाइंड करना है क्या, टी वन कितना है, वन ईयर, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, दो बार लिखने से अच्छा तीन बार लिख रहे। उधर आर टू कितना है, थ्री टाइम्स आर वन, R1 तो R1 ही और क्यूब बाहर ले लिया मैंने, क्या कट हो रहा है, R1 कट हो गया, तो क्या बच रहा है देखो, T2 स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है इक्वल टू 3 का क्यूब 27, सो T2 स्क्वायर इक्वल टू 1 ईयर उधर चला गया तो 27 का रूट ईयर्स, 27 का रूट क्या होता है, T2 इक्वल टू 27 का स्क्वायर रूट कितना आता है, स्क्वायर रूट 3 3 9 3 9 3 27 ले सकते हैं क्या? ये थोड़ा कैलकुलेशन बताओ क्या, 27 को लिख सकते हैं 9 3 27 रूट 9 इनटू रूट 3, रूट 9 होता है 3, और रूट 3 की वैल्यू लर्न कर लो, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, रूट 3 की वैल्यू लर्न कर लो कितनी होती है, अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 3 9 9 कितना, 5.19 इयर्स, देखो बुक में मैच कर रहा है क्या अपना आंसर, उन्होंने ईयर डेज में दिया है, छोड़ो ना इयर्स में लिखा तो क्या गलत क्या है, अगर डेज में पूछा है तो नहीं पूछा तो कष्ट नहीं करना, सत्य है ना, फिर भी लोग रोते हैं, फिर भी टेंशन लगा रहा है, अरे तुमको पता है, तुम लोग सोच नहीं रहे, सोचो चलो कोई मर गया आपका कोई रिलेटिव मर गया, सोच लो चलो अपना यश को मार देते, मर गया उसके बाद क्या करेंगे उसको, ऐसे एक ही जगह पर रखेंगे, नहीं तो अपन क्या करेंगे उसको, दफनाएंगे या जलाएंगे, कुछ तो करेंगे दोनों, अगर उसको जलाया वो कौन से केमिकल से बना हुआ जल्दी बताओ, कार्बन है क्या उसके अंदर, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और ये है वाटर ऑक्सीजन, ये सारे नाइट्रोजन गैसेस जो है उसके अंदर, जलाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे, कैल्शियम कार्बन क्या हो जाएगा, राख में नीचे चला जाएगा, जलाया तो बाकी सारे गैसेस और लिक्विड्स तो उड़ गए, जो सॉलिड्स से जो जल के वेपराइज नहीं हो सकते उसका क्या हुआ, राख, राख को हम लोग क्या करते हैं, नदियों में डाल देते हैं, अब वो कहाँ गया, यश यश यहाँ पर है, हवा में है और नदियों में है, माटी में है, तो जहां से बना था वहीं पे मिक्स हो गया, तो मरा क्या यश, नहीं बस कंपोजिशन सेपरेट हो गया, लिविंग नहीं है, मतलब क्या है उसका, वो जो कंपोजिशन था वो नहीं, वो कहां मरा, वो तो यहीं पर है, हवा में है ना, आपके दादाजी भी यहाँ में तो हवा में रहेंगे जो गुजर गए, तारों में नहीं है,
किसी के दादाजी आपके अंदर जा रहे होंगे, कभी आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो किसी की नानी अंदर जा रही होगी, नानी का ऑक्सीजन जा रहा होगा, यही तो रियलिटी है ना। मैंने कुछ गलत बोला क्या बताओ? होता है क्या, अब जब जमीन में दफना दिया, चलो इंदौर रिचुअल की तरह जलाया नहीं, जमीन में दफना है, जमीन में दफना है तो क्या होगा, डीकंपोज होगा, डीकंपोज होने के बाद सारे एंडो केमिकल से वो सेपरेट हो जाएंगे, हड्डियां रहेगी वहीं पर, एंडो कैल्शियम गया तो गया। अब वो जो बाकी के केमिकल्स है, नाइट्रोजन और बाकी सब है, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट्स और छोटे छोटे प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल खाएंगे, एनिमल को कौन खाएगा, नॉन वेजिटेरियन हम में से, और प्लांट्स कौन खाएगा, वेजिटेरियन हम में से। तो अल्टीमेटली हम किसी के दादाजी को खा रहे हैं, किसी के नानी को खा रहे हैं, हम खा ही रहे ना। तो पूरा हमारा जो साइकिल है वो वहीं से चलता है, हम सिर्फ एक कंपोजिशन है, केमिकल कंपाउंड है जो डिकम्पोज हो जाएंगे, हम ना मरने वाले हैं ना हमारा बर्थ है, वी आर इटरनल। तो टाइम को दूर करना, आत्मा ऐसा कोई टर्म नहीं है, रियलिटी आत्मा ऐसा कोई चीज नहीं है, और मेरा कुछ नहीं होता सर, एडे में निकालेंगे ना आपको, क्लियर बताता हूँ। ये हो गया आपने कंपोजिशन की बात, और हर एटम के अंदर छोटी सी एक एनर्जी होती है, वैसे हम सब की पूरी एनर्जी ओवरऑल उसी को, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा, कुछ बोलेंगे ये स्पिरिट, कुछ बोलेंगे कुछ और, एनर्जीज है सारी, एक तो एनर्जी और दूसरा मैटर, मैटर और एनर्जी देखा जाए तो एक ही फॉर्म है, इक्विवेलेंट फॉर्म है, अलग अलग तरीके से दिखते हैं, है ना। तो हम कोई मरने वाले नहीं है, हमारा बर्थ भी नहीं हुआ है, हम सिर्फ कंपोजिशन है, डिकम्पोज हो जाएंगे, फिर हम में से मेरा कुछ तो हड्डी, इसका कुछ तो कार्बन, उसका किसी का तो नाइट्रोजन मिक्स होकर और कोई तो नया बच्चा जन्म लेगा, तो दैट प्रोसेस भी वो हो गया। और हो सकता है कि बच्चा ना जन्म ले, कोई पत्थर बन जाए, हो सकता है मेरा कोई तो हड्डी किसी पत्थर में सालों साल पड़ा है, हो सकता है, बड़ा काम नहीं होता है ना, दुख क्यों चाहिए। चलो एग्जाम्पल 5.2 करते हैं, देखो है क्या आई ओपनिंग पॉइंट बताए गए, एग्जाम्पल 5.2 ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज न्यूटन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, फोर्स F1 दिया हुआ है कितना, 1 न्यूटन, डिस्टेंस जो था उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो F2 पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 और कुछ मास चेंज हो रहा है, यहां पर नहीं, यहां रख दिया, मास चेंज हो गया, मास चेंज नहीं हुआ, सो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया गिवन, सॉल्यूशन क्या करेंगे या कैलकुलेशन क्या करेंगे, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अरे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ सेम है, कांस्टेंट है, अरे काय कहते हैं इकडे लक्षण है ना, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, अगर रेशो निकालने तो रेशो कैसा आ जाएगा, R2² अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इधर लिखते वक्त उल्टा लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लिखना ही, अब वैल्यू निकाल दो, F1 कितना है, 1, F2 फाइंड करना है, R2 2R1 का स्क्वायर, R1 एज इट इज, और स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, 1/F2=4 न्यूटन, F2 कितना हो गया, 1/4 न्यूटन, 0.25 न्यूटन आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा इतने करने की जरूरत ही क्या, सोचो अगर डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ता है कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, डिस्टेंस डबल होगा तो डबल का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और ये अपॉन में तो 1/4 होगा, 0.25 डायरेक्ट आता है, इतना करने की जरूरत ही नहीं। अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाए तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए, मतलब यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर जाएगा, 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा,
अब आपको दिमाग यूज करना हो गया, बहुत वर्कआउट करते हो दिमाग, ब्रेन वर्कआउट करता है। सुनो, अगर पहले फॉर्मूला देखो, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यस और नो? ये कौन सा लॉ है? इसका लॉ ये न्यूटन लॉ है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर दो ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दो तो फोर्स कितना हो जाएगा? दोनों का मास डबल किया इधर टू टाइम्स, इधर टू टाइम्स कितना हो गया? फोर टाइम्स। अगर डिस्टेंस डबल कर दो बाकी सब सेम रखो, सिर्फ डिस्टेंस डबल करो, फोर्स कितना हो जाएगा? डिस्टेंस डबल करो, फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4। इधर डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर ना कहां आ रहा है? नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो जाएगा फोर्स। समझ में आया? अगर डिस्टेंस हाफ करोगे तो फोर्स कितना? 1/2 का स्क्वायर, सो 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो फोर्स कितना? 4 टाइम्स। फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस घटा फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा फोर्स घटेगा। इतना क्लियर? अगर मासेस डबल कर देंगे और डिस्टेंस हाफ कर देंगे, मासेस डबल कर दिए, डिस्टेंस हाफ कर दिया, मासेस डबल किए, डिस्टेंस हाफ किया, मासेस डबल किए तो 4 टाइम्स होगा, डिस्टेंस हाफ किया तो कितना होता है? 4 टाइम्स होता है ना, क्योंकि 1/2 नीचे आता है, 1/4 नीचे आता है, 4 ऊपर जाता है, तो 4 टाइम्स और 4 टाइम्स कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया, नहीं बहुत बड़ा, 16 टाइम्स हो गया। फोर्स कितना टाइम्स हो गया? 16 टाइम्स, 4 टाइम्स और उसका भी 4 टाइम्स, तो 4 4 जा 16 टाइम्स हो जाएगा, 4 4 जा 16 टाइम्स, 8 टाइम्स नहीं 16 टाइम्स बढ़ेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अगर अगर मासेस डबल किए और डिस्टेंस भी डबल किया, मासेस डबल किए, डिस्टेंस डबल किया, फोर्स में क्या चेंज होगा? मासेस डबल किए तो इधर 4, डिस्टेंस डबल किए तो इधर भी 4, 4/4 कितना? नो चेंज है ना, 4/4 मतलब फोर्स विल नॉट चेंज। समझ में आ रहा है क्या? शुभम भाऊ यस का यस आ रहे ना? चल बता अभी, अगर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? इधर है 3 टाइम्स, रिसर्च कर दिया,
क्वेश्चन में क्या दिया है, ये ऐसा कुछ तो सिस्टम है, यहाँ पर मास m है, यहाँ मास m है, यहाँ मास m है, ये डिस्टेंस है, ये l, ये एंगल 45, ये एंगल 45, और इस पे फोर्स निकालना है। फोर्स कहाँ निकालना है, इस पे, किन के वजह से, एक दो तीन मासेस है, इन तीन मासेस की वजह से यहाँ पर रखे हुए मास m पे फोर्स निकालना है। सो टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक ये और एक ये, टोटल देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मास, क्लियर। अब सिंस फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं है, अगर ये सारे के सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोग सीधा ऐड करके खत्म कर देते क्वेश्चन को, लेकिन एक कैसा है, एक ऐसा है, एक इधर एक इधर, तो आपको करना पड़ेगा वेक्टर कंपोनेंट्स निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने के लिए यू शुड हैव एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लेट अस टेक दिस एज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। क्यों वहां पर लिया, क्योंकि मुझे इस पे मास निकालना है, तो मैं इसको ओरिजिन दे रहा हूँ, जिस पे मुझे फोर्स निकालना है उसको मैंने ओरिजिन दे दिया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि इसी को एक्स वाई एक्सिस जो, आप और किसी को भी ले सकते थे, क्योंकि हम इस पे फोर्स निकालते हैं, इसको एक्स वाई दे, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। अब जो फोर्सेस एक्स में है उनको देखो, ऐसा कोई फोर्स है जो एक्स डायरेक्शन में, ये आपका एफ वन, ये F2, ये F3, कौन से फोर्स x डायरेक्शन में है, क्या कोई फोर्स नहीं, कौन सा फोर्स y डायरेक्शन में, F2, जो y डायरेक्शन में फोर्स है उसको हाथ मत लो, ऐसे कर दो, जो x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है और y में भी नहीं है, मतलब ये दो, इनके कंपोनेंट निकालेंगे, इन फोर्सेस के क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे, थोड़ा ज्योमेट्री करते हैं। अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये कितना होगा, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितना है, सही है, ये भी लेंथ L है, कौन सा ट्रायंगल हो गया, 45 45 90 ऐसा ट्रायंगल होता है, पता है इतना ज्योमेट्री स्कूल में पढ़ाया है, नहीं पता तो अभी बता रहा हूं, क्या 45 45 90 का ट्रायंगल होगा, तो ये और ये साइड 45 के सामने वाली साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, सो दिस इज लेंथ L, दिस इज लेंथ L, दिस एंगल इज 45 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा दिखेगा, देखो ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, इधर आपका F2, इधर आपका F3, ये 45 है, ये भी 45 होगा, ये दोनों इधर 45 आएंगे, बेसिक लॉजिक है, तो ये 45, ये 45, तो I can write F3 as F3 cos 45, इधर वाला यहाँ पर आ जाएगा F3 sin 45, जैसा मैंने इस F3 के लिए किया वैसा ही मैं F1 के लिए करूँगा, तो यहाँ पर ये मेरा F1 हो जाएगा, और F1 का एक कंपोनेंट होगा F1, इसको 45 ले रहा हूँ मैं, cos 45, और इधर होगा F1 sin 45, समझ में आया, और साइन 45 cos 45 की वजह से ही लगी, अगर आपको इसको साइन लिखना है, इसको साइन इसको cos लिख दे, तो भी कोई आपका नुकसान नहीं हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है, वैल्यू सेम है। अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा F3 cos 45 और F1 cos 45, पहले देखो F1 और F3 की वैल्यू कितनी है, और F2 की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो हियर F1
फोर्स हमें वेक्टर में निकालना है, टोटल फोर्स हमें वेक्टर में निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो ये देखो F1 cos 45 और F3 cos 45, F1 और F3 सेम है, तो F1 cos 45 F3 cos 45 क्या होंगे, सिंस F1 is equal to F3, this implies F1 cos 45 is equal to F3 cos 45, हाय यानी तो ये तो फोर्सेस कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गया ना, तो उसका नेट फोर्स तो जीरो आना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आना है, जीरो, तो आपका Fx ये जीरो आने वाला है x डायरेक्शन में, इसलिए i के द्वारा, तो x डायरेक्शन में फोर्स नहीं आने वाला, कौन से डायरेक्शन में आएगा, y में आएगा, y में फोर्स कितना आएगा, Fy फोर्स का वैल्यू होगा F2, ये डायरेक्शन कौन सा है, J या माइनस J, माइनस J का प्लस F3 साइन 45 माइनस J का प्लस F1 साइन 45 माइनस J का, तो वो माइनस J का मैंने माइनस हर जगह लिया एज इट इज, हाँ या नहीं, माइनस जेके को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा F2 प्लस F3 साइन 45 प्लस F1 साइन 45, यस और नो, यस यस। अब थोड़ा सा इसमें वैल्यू डाल देते हैं माइनस जेके, F2 का वैल्यू हमें ये दिया है, या फिर चलो डाल ही देते हैं, GM मतलब m स्क्वायर लिख दो क्या, यस gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ये हो गया आपका F2, F3 कितना है, F3 और F1 सेम है, ये सेम है, क्या है वो वैल्यू, gm स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, 2 आएगा है ना, gm स्क्वायर बाय 2 कॉमन 2l स्क्वायर, ये किसका हो गया, और sin 45 की वैल्यू कितनी रह गई, 1/1, ये एक का हो गया दूसरे का भी सेम आना है, तो डबल डबल, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है, क्यों सेम है बताओ, F3 F1 सेम है, साइन 45 की वैल्यू तो कमेंट में, तो ये पूरा टर्म डबल होने वाला है। अब कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल दिख रहा है, देखो ये टू कट हो जाएगा, टू कट हो गया, बचेगा क्या, gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर भी कॉमन है, तो इसको ले लो gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर कॉमन ले लो, इधर बच रहा है 1, इधर बच रहा है 1/√2 माइनस जे कैप माइनस एक्स इधर दे देता हूँ, दिस इज योर वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, टोटल फोर्स कहाँ पर है, एक्स में तो है नहीं, सिर्फ वाई में है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा आपका एफ वेक्टर इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, या फिर आप एफ एक्स वेक्टर और एफ वाई वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि एफ एक्स वेक्टर जीरो है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर 1 + 1/√2 j कैप, j कैप मतलब y डायरेक्शन, देखो आंसर मैच कर रहा है,